चलिए इस बीच मानस भी हमारे साथ है, उनसे बात करते हैं। मानस, एक तो मेटल स्टॉक्स, इस पर आपकी सलाह क्या है? आज जो खबरें हैं उसके बाद ऑब्वियसली मेटल स्पेस पर नजर रहेगी और हो सकता है एक अच्छा खासा ट्रेडिंग बाउंस यहाँ पर क्रिएट हो, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि ये सिर्फ इंट्राडे बेसिस पे हो, कि ट्रेडिंग बाउंस हो सकता है सस्टेन भी करे। आप कैसे प्ले करेंगे इसे? देखिए, मेटल स्पेस की अगर बात करिए तो शायद निफ्टी के बॉटम बनाने से पहले ही हमें मेटल स्टॉक्स में शॉर्ट टर्म बॉटम बनता हुआ दिखा था और उसके बाद हमने एक स्मार्ट रिकवरी भी देखी। और अभी भी ऐसा लगता है कि शायद आने वाले टाइम में अगर हम एक से दो मंथ की बात करें तो शायद मेटल में आउट परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। उस लिहाज से दो स्टॉक मेरी नज़र में, पहला तो मैंने पहले भी डिस्कस किया हिंडाल्को के बारे में, जहां पर हमें कल करेक्शन देखने को मिला है, बट ऐसा लगता है कि ये करेक्शन एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी है। पोटेंशियल की बात करिए तो 90 रुपये तक के पोटेंशियल दिखते हैं और 74 के स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग पोजीशन बनाना चाहिए। दूसरा स्टॉक टाटा स्टील का रहेगा, जहां पर हायर टॉप्स हायर बॉटम्स करीब करीब 220 रुपये से बन रहे हैं और अगर आप लॉन्ग टर्म चार्ट देखें तो वहां पर बहुत ही क्लियरली हायर टॉप हायर बॉटम का कंफर्मेशन देखने को मिला है, तो पोटेंशियल तो यहां पर कम से कम 350-360 तक का लगता है। बट जिस तरह की रैली हमने पिछले दिनों देखी है, मैं समझता हूँ करेक्शन का इंतजार करें, 290-280 की रेंज में जब भी स्टॉक आए तो वहां पर लॉन्ग पोजीशन बनाए और अपने स्टॉप लॉसेस 265 के नीचे रखें। जी, इस बीच इंडिगो पर जो एक अहम खबर है उसके बाद संजीव आपकी राय चाहेंगे इंडिगो पर। हालांकि ये खबर पहले भी आई है, ऐसा नहीं कि पहली बार आ रही है, दैट यू नो कतर एयरवेज हिस्सेदारी खरीदने के लिए सोच रहा है, तो पहले एमिरेट्स का भी नाम आया था एक बार, लेकिन इंडिगो जिन लेवल्स से आके यहाँ पे सेटल हुआ था, इंडिगो पर आपकी स्ट्रैटेजी क्या होगी? नहीं, मेरे हमारे लिए एविएशन इज एन अवॉइड, हमने इसको अपसाइड पे भी नहीं पकड़ा था और डाउनसाइड पे भी नहीं, क्योंकि हमें लगता है जो क्रूड एक टेलविंड था वो अब हेडविंड है और इंडिगो के पीआर मैनेजमेंट और साथ में ही जो उनके डिस्क्लोजर थे दे लेफ्ट अ लॉट टू बी डिजायर्ड। तो हमारे लिए एविएशन इज एन अवॉइड, देयर आर इनफ अदर सेक्टर्स जहां पे विजिबिलिटी और प्रॉफिट अपॉर्चुनिटी काफ़ी है, तो एविएशन में बिकॉज रेगुलेटरी कंसर्न्स और क्रूड प्राइसेस विल ऑलवेज बी अ यू नो लिटिल बिट ऑफ अ वॉलेटिलिटी, हम कहते हैं हमारे लिए ये सेक्टर ही अवॉइड है। इस बीच आप एक और स्टॉक देखिए, एच सी एल इन्फो सिस्टम, आज सुबह इनफैक्ट इसमें निगेटिव एक्शन में पूल दिखाई दे रहा है, कल आपको याद होगा लेटर हाफ में कल क्या तेजी थी और स्पेशली अंतिमबाजी के आसपास, अगर आप देखें आज भी करीब करीब 2.5% ऊपर ये स्टॉक कारोबार कर रहा है, कुछ देर में बाजार खुलने वाला है। और कुछ स्टॉक्स पर आप देखें जिनमें इंडिकेटिव एक्शन में काफ़ी अच्छी तेजी है, उसमें HDL भी शामिल है, HDI हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां पूरे रियल स्टेट स्पेस इस बास्केट पर भी आज नजर रखेंगे। खैर, बाजार खुलने वाला है, आपकी स्क्रीन पर आप देखें निफ्टी ऑलमोस्ट इस वक्त करीब करीब अगर आप देखें तो इस वक्त 1% ऊपर 7564 की ट्रेजेक्ट्री में, जी हाँ इस ट्रेजेक्ट्री में खुला है। याद रखिएगा स्टॉप लॉस के तौर पे 7520 बहुत महत्वपूर्ण लेवल था, शुरुआत में उतने बड़े गेन्स नहीं है एज पर द एसजेक्स निफ्टी, आप देखें लगभग 7569 7571 वी आर हेडिंग टूवर्ड्स 7580, याद रखिएगा 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज उसके बेहद नजदीक हम है। वेदांत अगर आप देखें आपकी स्क्रीन पर लगभग 3 रुपये ऊपर 90 के स्तर पर कारोबार कर रहे हैं, कमोडिटीज पर आप देखें तेजी है, केन इंडिया ये करीब 4.5 रुपये ऊपर है, उसके बाद अगर आप देखें तो ICICI बैंक 233 के स्तर पर, गेल करीब करीब 350 रुपये के स्तर पर कारोबार करता हुआ, हिंडाल्को करीब 83 पर डे हाई पर कारोबार कर रहा है, PNB करीब 84-55 पे, ये गेनर्स की लिस्ट अगर आप देखें सबसे ऊपर है, उसके बाद टाटा स्टील मेटल्स में आप देखें अच्छी तेजी लेकर कारोबार करता हुआ 305 के स्तर पर 5.60 रुपये ऊपर, और साथ ही साथ BPC अगर आप देखें पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने के बाद ये भी स्टॉक काफी अच्छी तेजी हुए कारोबार कर रहा है। तो यहाँ पर आज कमोडिटीज की अगर आप देखें मिहिर बहुत स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है आज गेनर्स के बीच में, टाटा मोटर्स लगभग 365 के स्तर पर 6 रुपये पर कारोबार कर रहा है और साथ ही साथ बैकफुट पर खड़ा है NTPC करीब करीब 127-135 पर, लॉसेस बहुत नहीं है लेकिन फिर भी अगर आप देखें आज लाल निशान में इसका खड़ा होना, ICICI बैंक प्राइवेट बैंकिंग बास्केट जिसमें कल काफी अच्छी तेजी थी आज 6.5 रुपये ऊपर में ही लेड बाय बैंक्स ओनली। आज आप देखिए जिस तरह की तेजी ICICI SBI पर है, बिकॉज ये इंडेक्स को भी ऊपर पुश करता है, 7572 पर निफ्टी कंफर्टेबली इस समय क्रूज करते हुए एंड क्लियरली जो 7600 है वो रेडार पर, लेकिन बैंक निफ्टी को आप देखिए, निफ्टी बैंक ये कल दोपहर में क्लोजिंग के एक घंटे से लेकर अभी तक आप देखिए ये जो इसकी लीडरशिप है उसे बरकरार रखते हुए 1.25% की तेजी निफ्टी बैंक पर इस समय देखने को मिल रही है, 15600 के पार ये ट्रेड करते हुए। अब नजर डालते हैं IT स्टॉक्स पर, आज जिस तरह का मूव रुपए पर देखने को मिला है, अगर
और गिरावट और जो डॉलर है उसमें कमजोरी बढ़ती है तो आई थिंक ये एक ऐसा स्पेस होगा जिसे वॉच करना होगा। हालांकि यहाँ पर जो मिड कैप स्टॉक्स है आईटी में उनकी अपनी अलग ही स्टोरी है, जो कंसोलिडेशन की थियरी है वो वहाँ पर प्ले हो रही है। सो लुक एट ज्योमेट्रिक, लुक एट एम्फेसिस, लुक एट माइंड ट्री, इन सबको अगर आप देखेंगे तो उनका मूव अलग है। इंडी के ऊपर कोई खास इंपैक्ट देखने को नहीं मिला, कतर एयरवेज हिस्सा खरीदे ना खरीदे, लेकिन जैसे अभी संजीव भी कह रहे थे कि इस पर बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करना चाहिए इस खबर पर। 1% ऊपर इंडिगो वैली इस समय ट्रेड करते हुए। और एक स्पेस जिस पर आपको नजर रखनी चाहिए, बिकॉज इंडेक्स को अगर 7600 के पार ले जाना है तो ऑब्वियसली आपको फोकस करना पड़ेगा हैवी वेट्स पे। सो आईटीसी और रिलायंस इस पर नजर रहेगी, बिकॉज अल्टीमेटली एक लेवल से ज़्यादा अगर आपको पुल करना है इंडेक्स को तो फिर इन स्टॉक्स को आपको ऊपर खींचना पड़ेगा। रिलायंस करीब 1% ऊपर, आईटीसी समय 1/4% ऊपर, बट वॉच इट क्लोजली। अब कुछ और स्टॉक्स को देख लेते हैं जहां पर आपको नजर रखनी चाहिए। एक तो मेटल स्पेस पूरा 1.5% ऊपर, टाटा स्टील इस समय सेल करीब 1.5% ऊपर है। बाकी जो मेटल स्टॉक्स हैं उनमें अच्छी तेजी। कुछ और इंटरेस्टिंग स्टॉक्स भी देख लेते हैं। केन इंडिया को आप देखिए, केन इंडिया पर ठीक रुझान देखने को मिल रहा है, करीब 3% ऊपर केन इंडिया है। और कुछ काउंटर्स में सिलान एक्सप्लोरेशन, ल्यूपिन, ग्लेनमार्क, HPCL, BPCL इन स्टॉक्स पर नजर रखिए। उषा मार्टिन यहाँ पर हम इनफैक्ट कल बात भी कर रहे थे वीरेंद्र उषा मार्टिन के लेकर कि ये जिस तरह का मुंह दे रहा है कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो ऐसे ऐसे प्रू ने यहाँ पर जो हिस्सा खरीदा है उसके बाद इस काउंटर पर अच्छा मुंह देखने को मिला है। ऑब्वियसली आज जब आप ज्योमेट्रिक को या फिर एम्फेसिस को अवॉइड नहीं कर सकते। स्टॉक ऑफ द डे को देखिए इस बीच 11% ऊपर, जी बिजनेस की रिकमेंडेशन स्टॉक ऑफ द डे इन्फिनिट कंप्यूटर्स आज करीब 11% ऊपर बाजार खुलने के बाद इस समय ट्रेड करते हुए 223 के लेवल पर इन्फिनिट कंप्यूटर्स करीब 11%। तो जो टारगेट इस पर दिया गया था वो हिट हो चुका है। जो टारगेट यहाँ पर था वो 220 का था, उससे सरपास करके उसके ऊपर होल्ड करते हुए काउंटर 223 का लेवल इन्फिनिट कंप्यूटर्स पर इस समय देखने को मिल रहा है। ये कुछ काउंटर्स हैं जहाँ पर अच्छा मूव है। आप क्या कहेंगे संजीव आज की ओपनिंग पर? वेल देखिए इसमें जो कवरिंग आएगी वो ज्यादातर शॉर्ट से आएगी क्योंकि आपके पास मौका ही नहीं मिला। आपने 7400 के नीचे एक दिन नहीं क्लोज करा और जो पेसिमिस्ट थे या लेफ्ट आउट है वो आएंगे साथ में। जैसे आपने जिक्र किया रुपी बिलो 67 नाउ विल एक्ट एज अ टेलवेंड क्योंकि आई थिंक FI फ्लोज और गैदर करेंगे स्ट्रेंथ क्योंकि दे आर इन द राइट डायरेक्शन। तो हमें यहां तक लगता है कि 7600 पे प्रॉफिट बुक करना चाहिए बिकॉज दैट वुड बी द टॉप एंड ऑफ द रैली। लेकिन वी कैन नॉट यू नो डिटर्मिन क्या फ्लोज है और कैसे लोग बाग की न्यू डायरेक्शन है क्योंकि रुपया बॉन्ड यील्ड्स और ये एक सुझाव के RBI 25 से 50 बेसिस पॉइंट की रेट कट कर सकती है अप्रैल में, ये सारी मोमेंटम को ऐड करेंगे। प्लस उसके साथ हो गया ग्लोबल फ्लोज और जैसे आपने कहा मेटल्स में जो रैली है वो एक न्यू पीक की तरफ जा रही है जो और कॉन्फिडेंस दे रही है इन द ग्लोबल सेटअप।